जब रामस्वरूप जी का बाइक से एक्सीडेंट हुआ तो इनके सिर पे चोट लगी, 5-6 महीने तो मतलब खड़ा ही नहीं होता, मतलब खड़ा ही नहीं, मतलब 7-8 महीने तक, मतलब जो घर वाले हैं वो मतलब मम्मी पापा वो मतलब सहारा देकर चलाते थे। अब रामस्वरूप जी आपको थोड़ा सा चल के दिखाएंगे कि कितना फर्क है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज मैं आपको सामने एक ऐसे पेशेंट लेकर आया हूँ जिनको पैरालिसिस हुआ था हेड इंजरी की वजह से। जब रामस्वरूप जी का बाइक से एक्सीडेंट हुआ तो इनके सिर पे चोट लगी, सिर पे जब चोट लगी तो उसके अंदर क्लॉट बना और वो क्लॉट इनकी पूरी ब्रेन में जाकर इनके दोनों तरफ के लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड के जो लॉब्स होते हैं फ्रंटल लॉब्स उनमें जाकर उन्होंने ब्लड के सर्कुलेशन को रोक दिया, जिसकी वजह से इनकी लेग में पावर बहुत बहुत ज़्यादा चली गई थी, हाथ में थोड़ी बहुत पावर थी और वो अभी भी बेटर हो गई, राइटिंग पहले से बेटर हो गई है इनकी, चलने में बेटर हो गए हैं। रामस्वरूप कैसे हुआ था एक्सीडेंट? एक्सीडेंट बाइक से हुआ था। कैसे गिरे थे? कैसे मतलब शाम के समय था और शाम का मतलब चौराहे पर था मैं और सामने से पिकअप आई, उसने मतलब टक्कर मार दी। अच्छा, तो चोट कहाँ लगी थी? चोट सिर में लगी थी। और कोमा में रहे थे? कितना टाइम कोमा में रहे थे? 2 महीना। और उसके बाद दिक्कत थी जब खड़े हुए तो क्या दिक्कत महसूस कर रहे थे? तो उसके बाद मतलब 5-6 महीने तो मतलब खड़ा ही नहीं होता, मतलब खड़े हुए मतलब 7-8 महीने तक, मतलब वो जो घर वाले हैं वो मतलब मम्मी पापा वो मतलब सहारा देकर चलाते थे। अच्छा, मतलब चलना मतलब उठना बैठना भी मतलब। और साई संजीवनी का इलाज कितने महीने लिया? 1 महीना हो गया। 1 महीने में क्या बदलाव देखा अपने अंदर? 1 महीने मैंने जो मतलब मैं पे मतलब घर के जो सीढ़ियाँ हैं मतलब चौक पर चढ़ता हूँ तो मतलब वो मैं पहले मतलब सहारा लेकर चढ़ता था तो मतलब उस मतलब 1 मंथ में ये सुधार हुआ है कि मतलब उसमें उस पर चौकी पर मतलब बिना सारे चढ़ जाता हूँ और उतर जाता हूँ। हाथ में कोई बदलाव नज़र आया? हाथ तो मेरा वैसे पहले थे मतलब ठीक था पहले से ठीक था, हाथ में ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं थी। पहले से सुधार हुआ लिखने में, लिखावट में? हाँ, लिखावट में बहुत सुधार हुआ, लिखावट में सुधार हो गया, फाइन मोटर स्किल्स उसमें थोड़े से आ गए। और चलने में सुधार क्या लगा? अब चलने में मतलब मेरे को मतलब काफ़ी मतलब पहले से मतलब 10-15% सुधार लग गया। तो अब रामस्वरूप जी आपको थोड़ा सा चल के दिखाएंगे कि कितना फर्क है।